हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अब हम मैथ्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो आपका जे एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग थ्री एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वा प्लस थ्री एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए तो इसका जो आपका रिमाइंडर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका रिमाइंडर जो आएगा आपका फोर ए आएगा सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपको एंगल्स फाइंड करने के जो उनकी रेशियो में थ्री इज टू सेवन इज टू नाइन इज टू इलेवन तो आपको क्या करना है थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस इलेवन एक्स इज इक्वल्स टू आपको पता है कितना होता है टोटल एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका थर्टी एक्स आएगा और अपॉन थर्टी एक्स अपॉन थ्री सिक्सटी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी अपॉन थर्टी फिर इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ट्वेल्व uh, आएगा इसका जो आपका एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है जैसे थ्री इंटू ट्वेल्व इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है थर्टी सिक्स फिर वैसे ही आपको सारे में अपनी एक्स की वैल्यू वैल्यू पुट करनी और जैसे ही आप सबकी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा थर्टी सिक्स एटी फोर हंड्रेड एंड एट एंड वन थर्टी टू ओके नेक्स्ट इज फाइंड द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड विध सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट परसेंट पी ए हेज़ बीन डिपॉजिट फॉर द टाइम ऑफ थ्री ईयर्स कैलकुलेट द एस आई तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी सो आप इसका कैलकुलेट uh, करो P कितना है आपका फिफ्टीन थाउजेंड इंटू आर कितना है आपका एट इंटू थ्री इंटू थ्री अपॉन कितना आएगा अपॉन हंड्रेड आपको पता है ये इसका फॉर्मूला रहता है ठीक है so, सो आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड सो सी इज़ दी करेक्ट आंसर सी इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज आपको फाइंड करना है मोड मोड क्या होता है जो मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें आप जब देखोगे तो आपका ट्वेल्व दो बार आया है इलेवन वन बार आया है थर्टीन वन आया है फोर्टीन ही जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है तो फोर्टीन इज द मोड ऑफ दिस डेटा नेक्स्ट आपको फाइंड करना है हाउ मेनी हाउ मेनी पैल टेंजेंट कैन सर्कल हैव तो कितने हो सकते हैं द आंसर कुड बी टू ठीक है टू पैरल टेंजेंट हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है टोटल सर्फस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिसफेयर इज थ्री पाय आर स्क्वेर ठीक है नेक्स्ट है आपको सॉल्व करना है इस इक्वेजन को जब आप इस इक्वेजन को सॉल्व करोगे तो ए अपॉन सॉरी वन अपॉन ए प्लस बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपको एच सी एफ फाइंड करना है सिक्सटी थ्री फोर्टी टू एंड नाइन्टी वन का जब आप फाइंड करोगे तो सेवन इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बी इज़ द करेक्ट आंसर सो जो नेक्स्ट टर्म आपके पास ए पी दी गई है इसमें आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है ए पी की जो आपके पास ये सीरीज दी है तो इलेवन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है क्या होता है आपका हम बोल सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ठीक है हम ये बोल सकते हैं या ए सी स्क्वायर आपका इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर तो आपको यहाँ पर क्या बी सी स्क्वायर फाइंड करना है दैट इज़ योर फाइव स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट इज़ आपको ये इवालुएट करना है आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नेक्स्ट इज रमेश सोल्ड अ टी वी सेट फॉर रुपीज ट्वेंटी वन हंड्रेड ऑन सेलिंग दिस टी वी ही गेन द प्रॉफिट ऑफ फोर्टी परसेंट फाइंड द कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का आपका फॉर्मूला क्या रहता है तो आपके पास एस पी दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एस पी इंटू हंड्रेड अपॉन आपका हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस जो भी आपके प्रॉफिट परसेंट दिए तो यहाँ पर फोर्टी दिए जब आप इसको सॉल्व करोगे एस भी आपके पास दिया गया है ट्वेंटी वन हंड्रेड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो फिफ्टीन हंड्रेड आ जाएगा सी एस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपको इस लीनर uh, रिक्वेजन को सॉल्व करना है एंड आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद सो so, आपका करेक्ट आंसर इसको करके आएगा फोर and 0 okay नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है नेक्स्ट आपको रेशो बताना है बिटवीन द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू इज टू थ्री एंड द रेशो बिटवीन देम इज़ तो इनका रेशो कितना आएगा फोर इज टू नाइन आएगा नेक्स्ट आपको स्क्वायर बताना है इसका इस नंबर का दैट इज ट्रिपल वी कैन से ट्रिपल फाइव सॉरी दैट इज़ वन फाइव टाइम्स स्क्वायर uh, uh, इसका आप निकालोगे तो वो होगा वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन ओके सो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपका है फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन हुज हाइट इज फोर सेंटीमीटर एंड डायमीटर सी यहाँ पर डायमीटर दिया गया है एंड आपके फॉर्मूला में जो आपका फॉमूला रहता है दैट इज योर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक है तो डायमीटर दिया गया है तो इसका डायमीटर क्या होता है uh, आपका रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है सो so, थ्री लेना यहाँ पर थ्री प्लस एच कितना है आपका फोर स्क्वायर तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आपका फाइव सेंटीमीटर आएगा ठीक है फाइव इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट uh, है आपका क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे देखो क्यूब रूट uh, की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्यूब रूट ऑफ सिंपली आपको क्या करना है क्यूब रूट फाइंड करना है क्यूब रूट आप सेवेंटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट का क्यूब रूट फाइंड करोगे तो ट्वेल्व आएगा ठीक है प्लस ट्वेंटी एट आपका स्क्वायर रूट ऑफ सेवन एटी फोर इज ट्वेंटी एट प्लस टेन आपको दिया गया है अपॉन एटी वन का क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है नाइन होता है ठीक है नाइन ठीक है माइनस इसमें आप इसका क्यूब रूट फाइंड करोगे तो सेवन आएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फिफ्टी अपॉन टू आएगा दैट इज़ योर ट्वेंटी फाइव इज़ योर आंसर ठीक है ट्वेंटी फाइव इज़ योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज अ आर इक्वल एंड इट्स टाइगनल स्पाइस एक्ट इच अदर एट 90 डिग्री उसको हम रॉम्बस बोलते हैं सी सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज इन एन एपी ए इज इक्वल्स टू 17 डी इज इक्व टू फाइव एन इज इक्ल्स टू सेवन दें ए सेवन इज तो ए सेवन कितना होगा आपका 47 होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ करव सर्फिस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज दिस तो आप इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है कर्व सर्फिस एरिया का दैट इज 2 पाए आर एच तो टू अपॉन ट्वेंटी सेवन बाई सॉरी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर आर इज़ योर फाइव एंड फोर्टीन इज़ योर हाइट तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी टू दैट इज़ योर फोर फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आप इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसका फाइंड करोगे दैट इज योर वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज आपको द वैल्यू ऑफ कॉस ट्वेल्व कॉस स्क्वायर ए माइनस ट्वेल्व कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहने वाला है नेक्स्ट आपको फैक्टर्स बताने हैं इसके जब आप इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बाय उससे तो उसका आपका लास्ट में जो आपका आएगा वो नाइन प्लस थ्री एक्स प्लस वन विल बी द करेक्ट आंसर प्लस वन आएगा आई गेस प्लस वन आएगा यहाँ पर ठीक है Uh, next is find the distance between the two points a uh, that is this and the b is this one so you will distance find distance by the formula uh, that is your a b is equals to under root x square uh, sorry x two minus x one एंड योर वाई टू माइनस वाई वन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो इसमें आंसर आने वाला है देट इज़ योर थर्टी नाइन यूनिट्स सो आई होप आपका मैथ सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा अगर आपको आ, आ, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मतलब गलती से मतलब गलत सॉल्व हो गया है कोई साइन का प्रॉब्लम हो गया है तो नो no प्रॉब्लम आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कर सकते हो दैट्स ऑल फार योर मैथ सेक्शन आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो अगर आपको ये वीडियो लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच